तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के बारे में थोड़ा, और 10वीं 12वीं जो इस साल पेपर दिए हैं उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अपना पूरा निर्णय मतलब मामला यूजीसी को दे दिया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इसको दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें कि दे दिया है तो इस तरह में क्या सबको सिलेक्शन मिलेगा? मुश्किल है। ST SC OBC, जैसे कि ये परसेंटेज देख लीजिए इतना है, इन लोगों को प्रवेश परीक्षा मिलना मुश्किल होगा। तो क्या करना पड़ेगा ये खुद आप सोचिए। क्यों प्रवेश परीक्षा नहीं मिलेगा? बड़ों लोगों के चलते, बड़े लोग जो है ना, इनके चलते। जो गरीब बच्चे हैं उनको मुश्किल होगा अगर इस तरह का पेपर होगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर पेपर होगा तो दिक्कत होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। दिक्कत तो अवश्य होगा, क्योंकि पहले उनका सिलेक्शन होगा, बाद में छोटे जात वालों को और गरीब बड़ा वालों को होगा। अब हम बात करें कि 10वीं और 12वीं की, ठीक है। तो 10वीं 12वीं का एक दोबारा पेपर होने जा रहा है, 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 10वीं 12वीं 17 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो आप पे जो फेल हो गए हों या जो किसी कारणवश पेपर ना दे पाए हों, तो वो जाके कल लास्ट डेट है, फॉर्म भर दें, ठीक है ना। रुक जाना है, कई सारी योजना है जिनका कल डेट है। और जो 12वीं में और 10वीं में, कहने का मतलब कि 12वीं में ही जो सप्लीमेंट्री आए हैं उनके लिए भी पूछ लें, क्योंकि उनका भी 14-15 सितंबर को फॉर्म डलाया जाएगा। नहीं, पेपर होगा, पेपर होगा 14-15 तारीख को सितंबर में। और रही बात कि अब हम बात करें स्कूल वालों को, तो स्कूल वाले देख लीजिए, अब सरकारी स्कूल बंद होंगे और बड़े बड़े आदमियों का स्कूल बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बड़े आदमियों का, ब्राह्मण ठाकुर पंडित है ना, धनिया लोग जिन्हें कहते हैं, ये लोग पढ़ेंगे। और गरीब बच्चे अब नीचे जाएंगे, खेती किसानी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आप अपने हक के लिए लड़िए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है। अगर UGC ने परसेंटेज या मेरिट लिस्ट के हिसाब से दे दिया तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। आई होप कि मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना होगा कि आप जाने और आपकी कलेक्टर जाने कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले उन लोग का सिलेक्शन होगा, इसके बाद निम्न जाति और गरीब बच्चों का सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। हो सके तो शेयर और कमेंट कर दें। धन्यवाद।